चलिए दोस्तों, बज रहे सुबह के 10 और हम निकले आज घूमने के लिए। घूमना कहाँ है पता नहीं, तो हम जा रहे हैं पहले चाय पीने। चाय पी के देखते करना क्या है दिन में। तो चलिए शुरू करते हैं चाय पीना डॉली की टपरी पे। कर लो, तुम्हारे को जरूरत नहीं कर। चलिए दोस्तों, हमारी हो चुकी है चाय खत्म। तो चलिए बढ़ते हैं डोगरा महादेव की ओर। गोगरा महादेव के सफर में एक नदी पे रुके थे, तो नदी पे हो गई हमारी गाड़ी पंचर। और अभी हमको दूर दूर तक दिख नहीं रहा है कि भैया कहाँ जाना है, कहाँ पंचर वाला है। तो बस चले जा रहे हैं। रोहन को पंचर गाड़ी लेकर मैंने भेजा है, और वो देखते हैं कहाँ जाता है, क्या करता है। पंचर गाड़ी लेकर निकला तो दिख नहीं रहा रास्ते में। और आप अगर ऐसी जगह पे आते हो तो रोड टू रोड गाड़ी चलो, वरना आपकी गाड़ी में पंचर कभी भी हो सकता है, जैसा मेरी गाड़ी में हुआ। ये मेरे आसपास का सारा व्यू। फाइनली 1 किलोमीटर चलने के बाद रोहन दिख गया, गाड़ी में पंचर बनना चालू। तो फाइनली दोस्तों, हम गोगरा महादेव पहुंच चुके हैं। तो आप मेरे पीछे पार्किंग देख सकते हैं, काफी क्राउड आया है। स्कूल बसेस की ट्रिप भी आई है आती, और ये पीछे मेरा व्यू आप देखिए। चलिए बैक कैमरे की मदद से भी आपको कुछ दिखाता हूँ, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए महादेव के, यहाँ के महादेव के दर्शन करवाने से पहले आपको यहाँ का व्यू दिखा देते हैं। यहाँ पे पानी है, और यहाँ पे आप पिकनिक वगैरह के लिए भी आ सकते हो। और आपको गैस, सिगड़ी, सिलेंडर या फिर बर्तन वगैरह जो भी आइटम लगता है लाने की जरूरत नहीं, सभी यहाँ पे रेंट से मिल जाते हैं। और मेरे पीछे आप व्यू देख सकते हो कितने लोग हैं, ये पूरी नदी नदी है। और अगर छोटा मोटा झुमका भाकर वगैरह आपको खाना है तो यहाँ का बहुत फेमस है, यहाँ पे भी आप खा सकते हो। पीछे पूरे स्टॉल लगे, मार्केट का व्यू तो आपने देखा ही है। तो चलिए चलते हैं मंदिर की ओर। यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है, आप सीढ़ियों से चल सकते हो। मेरे पीछे भी तो चलिए दोस्तों चल रहे हैं मंदिर की ओर। यहाँ पे एक महादेव का मंदिर है, एक छोटा मंदिर है, एक बड़ा मंदिर है, काफी है। यहाँ पे ऋषि मुनियों का भी मंदिर बना हुआ है, आपको सब दिखाएंगे। ये पीछे से आप देख रहे हो पानी कटा हुआ है, पानी ने पूरे पत्थरों को काटा है। और यहाँ पे पहले भी पानी रहता था, जब बारिश आती है तो ये साइड में पूरा पानी आ जाता है, लेकिन आप तभी भी दर्शन कर सकते हो महादेव के। ये मेरे पीछे एक नाग मंदिर, वहाँ महादेव मंदिर, और नीचे पर मैं जाने का रास्ता। तो चलिए बैक कैमरे की मदद से भी आपको दिखाता हूँ, आजू बाजू का व्यू कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। और ये आप देख रहे हो जैसे कि चट्टानों से कटा हुआ पूरा रास्ता है पानी से, और जैसे जैसे आप जाएंगे पानी के फ्लो से जो जो कटा हुआ है वहाँ पे थोड़ी बहुत कारीगरी और पेंटिंग की हुई है, देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है।
और ये सीढ़ियां ऊपर जाने के लिए। यहाँ पे आप देखोगे तो तीन चार जगह आपको खतरे के सिंबल दिखेंगे। खतरा बोले तो यहाँ पे ना जाए, क्योंकि यहाँ पे काफी गहराई है और गहराई नापी भी नहीं है, इसलिए आप यहाँ ना जाए। तो ये देखिए दोस्तों, पानी के बहाव से जो पत्थर कटे हुए आजू बाजू पर आप देख सकते हो, ऊंची चोटी पे महादेव का मंदिर। यहाँ पे जो हिंदू समाज में सप्तऋषि माने जाते हैं, सप्तऋषि का मंदिर है मेन, तो आप देख सकते हो मंदिर भी, वहाँ पे शिव जी की प्रतिमा भी रखी हुई है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यही तक था, जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहीं से एंड कर रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, और अगर चैनल पे आप नए हो तो ऐसे नए व्लॉग देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके उसका बाजू वाला घंटा दबा सकते हो, जिससे आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएंगी। तो सब्सक्राइब नाउ।